महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी, लेकिन पांडवों के दिल में एक गहरी पीड़ा छिपी हुई थी। अपने ही परिवार का विनाश, अपनों का रक्त, यह सब पांडवों को अंदर से तोड़ रहा था। उनके पास अब केवल एक ही सहारा था, भगवान शिव का आशीर्वाद। केदारनाथ की गाथा शुरू होती है पांडवों के पश्चाताप से। कहा जाता है महाभारत का भव्य युद्ध जीतने के बाद पांडव क्षमा की तलाश में जब शिव की आराधना करने के लिए आए तो उन्होंने केदारनाथ मंदिर की स्थापना की और इस मंदिर का पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने किया। आज केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि समुद्री तट से 11,755 फीट की ऊंचाई पर है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि चार धामों में से एक भी है। ये बात है द्वापर युग, जब क्षमा की खोज में पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनके दिलों में पश्चाताप का भाव था और आंखों में भगवान शिव के दर्शन की आकांक्षा, परंतु शिव उनसे नाराज थे, उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर ताकि पांडव उन्हें पहचान ना सके। पांडवों ने उनका पीछा किया हिमालय की ऊंचाइयों में, घने जंगलों में, तेज हवाओं के बीच। पांडवों ने हार नहीं। इसी बीच भीम को एक तरकीब सूझी। भीम ने अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए कि यदि कोई पशु जो उनके पैरों के नीचे से निकलना चाहे वो जा सकता था। इन नंदी स्वरूप शिव ने ऐसा नहीं किया। अंततः भीम ने उस बैल को देख ही लिया। अब उसने बैल को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन यह कोई साधारण बैल नहीं था, यह स्वयं महादेव थे। भीम ने जैसे ही बैल को पकड़ना चाहा, वहां शिव का कुबड़ भूमि में समा गया और वहीं प्रकट हुआ केदारनाथ में शिव का रूप। शिव जी का शरीर पंच केदार में विभाजित हो गया, कुबड़ केदारनाथ में, बाहु तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में। इस प्रकार पंच केदार की स्थापना हुई। शिव स्वरूप नंदी भूमि में समा चुके थे और पीछे रह गया था उनका कुबड़। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी। वो चाहते थे कि किसी प्रकार से भगवान शिव उन्हें क्षमा कर दें। पांडवों ने बहुत तप किया, बहुत भक्ति की और पांडवों की अथाह भक्ति और तपस्या को देखते हुए भगवान शिव अंततः प्रसन्न हो गए। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए और उनके पापों को क्षमा कर दिया। शिव ने उन्हें पाप मुक्ति और मोक्ष का आशीर्वाद दिया। केदारनाथ में शिवजी ने अपना आशीर्वाद देकर पांडवों को मुक्ति प्रदान की। एक जीवन काल में किसी के साथ इतना सब होना शायद बहुत होता है। महाभारत के युद्ध के बाद और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पांडवों ने अपने जीवन का शेष हिस्सा शांति और मोक्ष की खोज में बिताने का निर्णय लिया। युद्ध के कारण वे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जिसे महाप्रस्थान के
के नाम से जाना जाता है। इस यात्रा के दौरान एक एक करके सभी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी ने अपनी देह त्याग दी। देह त्याग चुके थे ये सब लोग, लेकिन युधिष्ठिर जो सबसे बड़े और सबसे धर्मपरायण थे अंत तक जीवित रहे। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने अपनी इस यात्रा में ना केवल अपनी मानवता का पालन किया बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। हिंदू मान्यता के अनुसार युधिष्ठिर को उनके धर्म और सत्य निष्ठा के कारण जीवित अवस्था में ही स्वर्ग में स्थान मिला। वो अकेले थे जो स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ पाए और पार कर, बाकी सब ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये जीवन गाथा हमें ये संदेश देती है कि पांडवों ने अपने जीवन के अंत में मोह माया से दूर होकर केवल धर्म और सत्य के लिए अपनी यात्रा पूरी की। महाभारत की यह अंतिम यात्रा मोक्ष और आत्मा की शुद्धि के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। तो यही है केदारनाथ का इतिहास, महाभारत से जुड़ता हुआ द्वापर युग का ये सत्य, जो हमें सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। केदारनाथ आज भी एक ऐसा स्थान है जहां हर पत्थर में महादेव के आशीर्वाद की अनुभूति होती है, जहां हर श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति की कामना लेकर आते हैं। शिव और पांडवों की यह गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति तपस्या और पश्चाताप से भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त किया जा सकता। तो अगर आप भी मेरी तरह शिव के भक्त हैं तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूं 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी। जी हाँ, एक कंप्लीट सीरीज, तो बने रहे मेरे साथ। जय भोलेनाथ।